आखिर ऐसा क्या हुआ? 18 लाख से ज्यादा लोग अकेले यूपी में पलायन कर चुके हैं। देश भर में लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये सभी पैसों की तंगी से परेशान थे? क्या ये सभी बेरोजगार हो गए थे? क्या इन सभी के पास खाने को नहीं था? पहले देखते हैं लॉकडाउन 1। इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। फिर लॉकडाउन 2। फिर लॉकडाउन 3। फिर आया लॉकडाउन 4। लाखों लोग अब तक अपने घर गांव पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल, क्या ये सभी पैसों की तंगी से परेशान थे? क्या ये सभी बेरोजगार हो गए थे? क्या इन सभी के पास खाने को नहीं था? जवाब है नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? एक सत्य उदाहरण से समझिए। हुआ दरअसल ये, परेशान लोगों के मन में डर बैठ गया। टीवी पर सिर्फ कोरोना कोरोना देखकर गांव में बैठे इनके परिवार भी ये टीवी पर शोर शराबा देख घबरा गए। अपने बच्चों और घर वालों से वापस लौटने की जिद करने लगे। कई लोगों ने तो 5-5, 10-10 हजार रुपए देकर भी यात्रा की, जबकि इस पैसे से लंबा वक्त वो काट सकते थे। और इस मारामारी में वो एक बेचारा पीछे रह गया जिसे असल में जरूरत थी घर वापस पहुंचने की। कौन जिम्मेदार है इस सब का? डराने वाली मीडिया, हवाबाजी करने वाली मीडिया, दिल को ताड़ बना देने वाली मीडिया? जवाब कौन देगा?